आपको पता है क्या, बेल्जियम में अगर आप किसी को गिफ्ट में यहाँ की लोकल चॉकलेट के अलावा कोई और चॉकलेट देते हो ना, तो भाई वो ऑफेंड हो जाते हैं। बताओ, और वोफल की देख रहे हो भाई, सब लाइन लगी पड़ी है, जो मर्जी फ्लेवर ले लो। बिल्डिंग देखो भाई कितनी खूबसूरत है ना, और ये यहाँ की स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग है भाई। 10 मिनट हुए गाड़ी को यहाँ लगाए हुए, और लोगों के इतने क्रेजी वाले रिएक्शन आ रहे हैं ना मैप को देख के, और ये दिल्ली टू लंदन रोड ट्रिप लिखा हुआ है इसको देख के। हाँ ये देखो, ये लड़की रुकी ना भाई फोटो लेने के लिए, देख रहे हो अंकल आंटी भी पलट पलट के देख रहे हैं भाई अपनी गाड़ी को। ये देखो, एक्सेप्ट कर लो भाई, स्कॉर्पियो अपनी तगड़ी है, एमी थोड़ी बिग डैडी बोलते हैं। अपनी इंडियन गाड़ी महिंद्रा स्कॉर्पियो इनको देख के भाई बेल्जियम के लोगों का मस्त रिएक्शन आ रहा है ऐसे तगड़े वाला। भाई नजारा कुछ इस तरह से दिख रहा है पीछे की साइड का। हम कल पहुंच गए थे भाई शाम को बेल्जियम की कैपिटल ब्रसेल्स में, और बिल्कुल सिटी सेंटर से 1.5 किलोमीटर के आसपास ही हमने होटल लिया है। बहुत महंगे होटल थे भाई साहब, यही रूम हमें 13,000 कुछ का पड़ा है। बट अब कोई ऑप्शन नहीं है इसलिए भाई लेने ही पड़े। 2 सिंगल बेड लगे हुए थे, और बाकी ये छोटा सा वो है, बाथरूम भी देखोगे कुछ खास बड़ा नहीं है इधर नहाने का। जो है भाई यही है, क्या कर सकते हैं, पैसे भी ज्यादा दो और रूम भी छोटे छोटे। होटल के दरवाजे भाई देखना ऑरेंज ऑरेंज से बना रखे। ये वाली शर्ट मैं इंडिया से ही लेकर आया था, बट जो पैंट है वो मैंने यहीं से ली थी प्राइमार्क से। बाकी जूते तो आपको बहुत बार दिखाई चुका हूँ। वैसे ज्यादातर ये जूते मैं पार्टी के टाइम पे पहनता हूँ, क्योंकि व्हाइट है ना तो सिटी एक्सप्लोर करने में गंदे हो जाते हैं। बट मैंने कहा आज इस वाली जींस के साथ यही जूते अच्छे लगेंगे। आपकी क्या राय है जरा बताना। होटल के बाहर देखो भाई, स्ट्रीट से निकले और बस ये चहल पहल शुरू हो गई है यहाँ पे, क्योंकि सेंटर पास में ही है मैंने बताया आपको। अभी मैं जा रहा हूँ भाई एक वोफल की शॉप पे, क्योंकि बेल्जियम के वोफल्स भाई पूरे वर्ल्ड में फेमस है, और अगर बेल्जियम आके वोफल नहीं खाए तो भैया फिर क्यों ही आए बेल्जियम, है ना। मैंने गूगल पे लिखा है बेस्ट वोफल नियर मी, तो वोफल फैक्ट्री करके आया ये 800 मीटर। यहाँ पे ना ये लाइम करके स्कूटर तो चलती है, बट डॉट DOTT करके ना ये साइकिल भी चलती है इनके, वैसे स्कूटर भी है। तो इसका मैंने एक पास खरीदा भाई, ये वाला टोटल 1200 रुपीज का पड़ा है। अब इसमें लिखा है कि 30 दिनों के लिए ना अनलिमिटेड राइड्स है, और पर राइड 30 मिनट तक चला सकता हूँ। ये बात मुझे सच सी तो नहीं लग रही, क्योंकि इतना सस्ता तो नहीं हो सकता, बट मैंने ले लिया। तो अगर ये चीज सच हुई तो भाई आज छिक के यूज करूंगा ये साइकिल। वैसे भी इलेक्ट्रिक वाली है तो मस्त पूरा ब्रसेल्स घूम लूंगा इसी से। चलते हैं इसी में भाई पहले वोफल खाने के लिए, बाकी एक और नया दिन एक और नई जर्नी। आज है भैया 30 जुलाई 2023, मैं हूँ अभी बेल्जियम की कैपिटल ब्रसेल्स में। आप देख रहे हो भाई नमस्ते लंदन रोड ट्रिप का एक और नया एपिसोड, स्पॉन्सर्ड बाय वाउस्किन साइंस। ट्रिप पे मैं निकला हुआ हूं भाई दिल्ली टू लंदन बाय रोड अपनी स्कॉर्पियो एन को लेके 110 दिनों के लिए। इस ट्रिप में भाई मैं कवर करूंगा 25 से ज्यादा कंट्रीज एंड 25,000 किलोमीटर गाड़ी चला के पहुंचूंगा लंदन यूके में। बहुत ही एपिक वाली रोड ट्रिप है भाई, आपको भी मजा आ रहा है वीडियोस में, ऐसी सपोर्ट बनाए रखना। इस वीडियो का लाइक है भाई 70,000 का, बाकी चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब मार देना, 3 मिलियन घर पहुंचने से पहले करने। ये अच्छा भाई इसमें ना ये भी है, ये देखो लगाने का। अब स्टार्ट तो करा नहीं, स्कैन कर लेता हूं पहले फटाफट, लेट्स गो। अच्छा तो अनलॉक करने के लिए 1 यूरो देने पड़ेंगे, यानी कि 100 रुपए, उसके बाद 30 मिनट तक फ्री में चलाओ। ये सिस्टम भी हुआ वैसे तो ठीक है, फिर भी तो काइंड ऑफ आप समझ लो 100 रुपए दे रहा हूँ मैं 30 मिनट्स की राइड के लिए, जो कि भाई काफी सही है। लेट्स गो भाई, चला जाए इसको लेके। ओए मजेदार है भाई ये तो। ओ भाई ज्यादा एफर्ट्स मारने ही नहीं पड़ रहे इलेक्ट्रिक होने की वजह से ना, हल्के हल्के बस पैडल मार रहा हूँ ये देखो, और चलती जा रही है। और ये जो वॉकिंग वाले एरिया होते हैं ना भाई, यहाँ पर आकर ना ये स्लो हो जाती है, ये कछुआ वाला मोड चालू हो जाता है 14 की स्पीड लिमिट का। ये देखो पूरा सिटी सेंटर है, यहाँ पे काफी सारी बिल्डिंग्स है, और भीड़ भड़क का भी पूरा मिल जाएगा आपको यहाँ। आज संडे है भाई तो ज्यादा चीजें बंद रहती है पूरे यूरोप में, बट सिटी सेंटर हमेशा खुले रहते हैं। चलो जी चलो, पार्किंग मिल गई है जस्ट बिल्कुल शॉप के बाहर ही, ये रही वोफल फैक्ट्री। ये देखो भाई इन्होंने जो है 1 ही यूरो काटा, हालांकि मैं 30 मिनट पूरे नहीं चलाए, 14 मिनट ही चलाए, पर मुझे पता है इस हिसाब से मैं ना वसूल कर लूंगा आज पूरे दिन में। भाई साहब इनके पास आइसक्रीम ही नहीं है वोफल्स के साथ, ये क्या बात हुई बताओ, यहाँ तो मिलनी चाहिए आइसक्रीम। अब इसकी भी राइड मैंने ऑफ कर दी, पैदल ही जाना पड़ेगा अगले वोफल वाले तक, वरना 100 रुपए कौन देगा आसपास ही हुआ तो। भाई साहब वोफल तो भर भर के मिल रहे हैं इस जगह पे, मतलब ये वाला जो एरिया ना भाई, इसी में 20 से 25 दुकानें हैं 200-300 मीटर पे। ऑब्वियसली भाई होगी भी क्यों ना, बेल्जियम फेमस है वोफल्स के लिए, तो वोफल्स हर जगह मिलेंगी। वोफल के साथ साथ फ्रेंच फ्राइज भी बहुत फेमस है, क्योंकि फर्स्ट जो इन्वेंशन हुआ था फ्रेंच फ्राइज का वो बेल्जियम में ही हुआ था। भाई साहब ये बिल्डिंग देखो कितनी सुंदर लग रही है, मेरे ख्याल ये गोथिक की आर्किटेक्चर है, जैसा हमने वहां पे देखा था ना वो चेक रिपब्लिक में शायद। एक तो इस ट्रिप पे इतनी कंट्रीज हो गई ना, मैं खुद ही भूल गया भाई कि कौन सी कंट्री में क्या देखा था, ऑस्ट्रिया में देखा था शायद से, वियना। वो भाई साहब यहाँ तो भरमार लगी पड़ी है देखना, कॉफी शॉप्स और कैफेज की। ये मेरे पीछे यहाँ का सिटी सेंटर है, अभी थोड़ी देर में दिखाता हूँ, पहले पेट पूजा कर लूँ। शॉप पे होपफुली आइसक्रीम भी मिल जानी चाहिए।
अपने को, और वोफल की देख रहे हो भाई सब लाइन लगी पड़ी है, जो मर्जी फ्लेवर ले लो। यहाँ पे क्या है ना, वोफल्स को रेडी रखते हैं, बस गर्म कर देते हैं, जैसी कोई आता है इस तरह का। वर्ल्ड के दूसरे पार्ट्स में क्या है, वोफल ताजा बनाया जाता है वो बटर, मतलब उसका जो भी मिक्सर होता है उससे। लो जी लो अपना रेडी है यहाँ पे, यहाँ से ले लेते फोक और ये, थैंक यू। यहाँ पे भाई बैग वैग संभाल के रखने हैं, बहुत चोरियां होती है इन वाले देशों में ना, बहुत चोरियां होती है भाई इन देशों में। यहाँ के वोफल ना भाई थोड़े से डिफरेंट है, पता नहीं अलग लग रहे हैं बट टेस्टी है। एक्चुअल में जो थिकनेस है ना वो काफी पतली है, तो इतना बड़ा वोफल खाने के बाद भी ना पेट का नहीं भरा, मतलब ऐसा लग रहा है कम खाया है। और भाई सब मजा आ गया कसम से, मतलब बेल्जियम आके यहाँ के ओरिजिनल वोफल, अभी तक मैं दूसरी जगह पे जाके ऑर्डर देता था बेल्जियम वोफल के लिए ही, और अब खुद ही बेल्जियम आके खा गया, सही टाइम पे खा लिया भाई मैंने। पीछे देखो लाइन लग चुकी है अंदर जाने के लिए। बेल्जियम की चॉकलेट भी काफी फेमस है पूरे वर्ल्ड में, और यहाँ भी देखो हर जगह चॉकलेट वोफल फ्राइज यही सब मिल रहा है। वोफल जो था ना वो वाला 12 यूरोस का था, यानी कि 1200 रुपए इंडिया के। भाई बहुत खूबसूरत सिटी है ये। खैर सिटी के बारे में बात करने से पहले बेल्जियम एज अ कंट्री के बारे में बात कर लेते हैं। बेल्जियम ना भाई पूरे यूरोप की 19th स्मॉलेस्ट कंट्री है, एंड पूरे वर्ल्ड में 141 नंबर पे आती है। यहाँ का टोटल लैंड एरिया 30,688 किलोमीटर स्क्वायर है, तो एक्चुअल में काफी छोटी कंट्री है भाई। पूरे देश में भाई केवल और केवल 1.15 करोड़ लोग रहते हैं, इसमें से 1,200,000 लोग तो इनकी कैपिटल सिटी ब्रसेल्स में ही है। अच्छा ब्रसेल्स जो है ना वो इस देश की कैपिटल तो है, साथ ही साथ में पूरे यूरोपियन यूनियन की भी कैपिटल है। अच्छा हर देश की वैसे एक ऑफिशियल लैंग्वेज होती है ना, बट भाई बेल्जियम की 3-3 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, एक है फ्रेंच, दूसरी है डच और तीसरी है जर्मन, मतलब इनकी अपनी कोई लैंग्वेज नहीं है अलग से बेल्जियन करके, है ना। रिलीजन की बात करें तो मेजोरिटी लोग यहाँ पे क्रिश्चियंस है। 2002 से पहले ना बेल्जियम की ऑफिशियल करेंसी थी बेल्जियन फ्रैंक करके, बट 2002 के बाद यहाँ पे ऑफिशियल करेंसी यूरो ही हो गई है, क्योंकि ये शेंगेन एरिया बन चुका है। शेंगेन या शेंगेन यार जो भी है समझ आ जाता है ना आपको, क्या लेना देना प्रोनाउंसिएशन में। ये है भाई यहाँ का फेमस सिटी सेंटर या फिर सिटी स्क्वायर जिसको बोलते हैं ग्रैंड प्लेस। यहीं पे काफी सारे टूरिस्ट अट्रैक्शंस आपको मिल जाएंगे, इसलिए आप देख सकते हो भीड़ भी इतनी तगड़ी लगी पड़ी है। झंडे देखो भाई सब कितने सारे लहरा रहे हैं, ये ब्लू वाला जो है यूरोपियन यूनियन का जिसमें स्टार्स बने हुए हैं, जो ये साइड वाला है ना येलो एंड रेड कलर का ये बेल्जियम का फ्लैग है। बट ये बाकी फ्लैग्स किस किस कंट्री के है पता नहीं यार। सबसे पहले आप देख सकते हो मेरे पीछे यहाँ का फेमस सिटी हॉल। बेल्जियम ना एक्चुअल में एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, यहाँ पर एक राजा और 6 गवर्नमेंट्स है, जिसमें से एक मेन फेडरल गवर्नमेंट है और 5 जो है वो रीजनल गवर्नमेंट्स है। इस बिल्डिंग को भाई 1401 से 1455 के बीच में बनाया गया। ये बिल्डिंग ना भाई एक लोथी मेडिवल बिल्डिंग है जो बची हुई है स्क्वायर में। इस बिल्डिंग को ना एक्चुअल में 2 पार्ट्स में बनाया गया था, इसका जो लेफ्ट वाला पार्ट है ये है ईस्ट विंग, एंड ये जो राइट वाला पार्ट है ये है वेस्ट विंग। तो ये जो ईस्ट विंग थी ना ये बनाई गई थी भाई 1401 से 1421 के बीच में। इस बिल्डिंग के आर्किटेक्ट थे जैकोब वैन करके, एंड उस टाइम पे ये वाला पार्ट बनाया गया था और ये छोटा सा टावर बनाया गया था। देन उसके बाद जो वेस्ट वाली यानी कि राइट साइड वाली विंग है ना वो 1444 में बनाई गई थी, एंड ये वाली विंग ना लेफ्ट वाली से थोड़ी सी बड़ी थी। एंड साथ ही साथ में आप ये बीच स्ट्रक्चर भी देख सकते हो कितना बड़ा बनाया गया था। फिर जाके जो है ये बिल्डिंग पूरी की पूरी भाई ऐसे कंप्लीट हुई है। इसके अलावा भाई ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, तो देखना बनता है भैया आए हो अगर आप ब्रसेल्स तो। अच्छा वैसे ये टाउन हॉल ना भाई 1695 में काफी ज्यादा डिस्ट्रॉय भी हो गया था। उस टाइम पे 70,000 सैनिकों की एक फ्रेंच आर्मी ने जो है ना वो ब्रसेल्स पे अटैक कर दिया था, एंड काफी ज्यादा मेजर डैमेजेस देखने को मिले थे भाई इस टाउन हॉल पे। अब ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि आप लोग फिर बोर होने लग जाओगे, तो मेन मेन चीजें बता रहा हूँ खाली। दिखने में तो ये टाउन हॉल भाई नो डाउट बहुत खूबसूरत है, एंड गोथिक आर्किटेक्चर के लिए ना ये इंस्पिरेशन था। संडे होने की वजह से अभी तो भाई इसमें एंट्री बंद पड़ी है, वरना आप टिकट विकेट लेके अंदर जा सकते थे, बट ये वाला गेट खुला हुआ है तो लेट्स सी अंदर। ये वाला जो पूरा एरिया था ना भाई बाद में एक्सटेंड किया गया था, देख सकते हो आप पीछे की तरफ पूरा ऐसे बड़ा सा स्क्वायर ही बना रखा है अंदर ही।
ये इसका दूसरे वाला गेट है, मतलब दूसरी तरफ जो निकलता है यहाँ पे देखो, तो उधर की तरफ है इसका सिटी सेंटर या सिटी स्क्वायर मेन ग्रैंड प्लेस बोलते हैं जिसे, ग्रैंड पैलेस नहीं ग्रैंड प्लेस PLACE। दूसरी तरफ इस तरह की भाई पतली पतली स्ट्रीट्स हैं यहाँ पे। टाउन हॉल के ही भाई जस्ट ऑपोजिट में है यहाँ का फेमस ब्रेड हाउस या फिर किंग्स हाउस, जिसके अंदर बना हुआ है भाई बेल्जियम का सिटी म्यूजियम। एंड ये बिल्डिंग भी ना भाई एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इस बिल्डिंग में भी देखोगे ना बहुत सारे स्टैचूज है भाई जो ऑक्सीडेशन होने की वजह से टाइम के साथ साथ ग्रीन कलर के हो गए हैं। वैसे इस बिल्डिंग का जो लोकल नेम है ना वो है मेसन डीयू रॉय, आई डोंट नो भाई प्रोनाउंसिएशन सही करी है या नहीं करी है। संडे की वजह से भाई म्यूजियम बंद पड़ा है, वीकडेज में आप टिकट लेके जा सकते हो यहाँ से। एंड इसी सिटी सेंटर में भाई काफी सारे आपको कॉफी शॉप्स रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे। ये देखो बिल्डिंग कितनी खूबसूरत है, ऐसा लग रहा है ना जैसे रियल गोल्ड हो, बट ये रियल नहीं है भाई ऑब्वियसली। इधर भी सेम टू सेम ऐसी एक और बिल्डिंग है एंड यहाँ पे भी एक और बिल्डिंग है, तो ये तीन बिल्डिंग्स है भाई। और दूसरी साइड में भी काफी सारी अलग अलग बिल्डिंग्स है, वही रेस्टोरेंट कैफेज बने हुए। और ये तंबू पता नहीं भाई क्यों गाड़ रखा है यहाँ पे फालतू में बीच में। अच्छा, बेल्जियम को ना लैंड ऑफ म्यूजिक फेस्टिवल्स एंड परेड्स भी बोला जाता है, क्योंकि भाई यहाँ पे ना वर्ल्ड के कई सारे बेस्ट म्यूजिकल फेस्टिवल्स होते हैं, जैसे कि टुमोरोलैंड, रॉकवेचर, इसके अलावा आई लव टेक्नो भी। यहाँ पे टुमोरोलैंड का भी सेकंड वीक चल रहा है, बट टिकट बहुत महंगी है, अराउंड 1,20,000 रुपए की है संडे की आज की। तो मैंने कहा छोड़ो भाई इतने पैसे नहीं खर्चने। ये भाई यहाँ का एक बहुत फेमस शॉपिंग आर्केड है, इसके अंदर ना तीन मार्केट्स है या तीन ऐसे शॉपिंग स्ट्रीट्स कह सकते हो आप एक तरह से, जिसमें से एक का नाम है किंग्स गैलरी, दूसरा का नाम है प्रिंसेस गैलरी एंड तीसरे का नाम है क्वींस गैलरी। बड़ी ही रॉयल जगह सी लग रही है भाई, सब रेस्टोरेंट्स और कैफेज जो है ना ये भी काफी प्रीमियम वाले हैं। एंड ऊपर देखोगे ना भाई इस तरह की ट्रांसपेरेंट वाली छत है यहाँ पे, कुछ भी आपको शॉपिंग वगैरह करनी हो आप यहीं से कर सकते हो, खाना पीना हो आराम से यहाँ बैठ के खा सकते हो, क्योंकि अगर बारिश आएगी ना तो पानी तो अंदर नहीं आएगा बट रोशनी प्रॉपर आ रही है ऊपर से। यहाँ पे ऐसे बड़े बड़े कोई भी ब्रांड्स मुझे देखने को नहीं मिले, बट वैसे लोकल वेंडर्स काफी सारे शॉप खोल के बैठे हुए जिनसे आप चीजें खरीद सकते हो। एंड इस वाली गली में देखो भाई बुक शॉप बनी हुई है यहाँ पे। एंड अगेन भाई फेमस बेल्जियम चॉकलेट स्पेशल ऑफर भी चल रहा है भाई, 225 ग्राम का जो चॉकलेट का गिफ्ट बॉक्स है अगर आप 5 लेते हो ना तो 68 यूरो। आपको पता है क्या, बेल्जियम में अगर आप किसी को गिफ्ट में यहाँ की लोकल चॉकलेट के अलावा कोई और चॉकलेट देते हो ना तो भाई वो ऑफेंड हो जाते हैं। बताओ देखो इस तरह की गैलरीज है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है प्रिंसेस गैलरी, और यहाँ पे आप अंदर जाओगे लाइन से दुकानें बनी हुई है, और यहाँ पे बुक शॉप भी है। ये वाली शायद से किंग्स गैलरी है बट ये ओपन में है भाई यहाँ पे। और इस वाली स्ट्रीट पे ना खाली आप पैदल ही आ सकते हो, इलेक्ट्रिक स्कूटर या साइकिल लाना अलाउड नहीं है। तो भाई सब सिनेमा हॉल भी है यहाँ, तो देख रहे हो सिनेमा गैलरीज करके लिखा हुआ है। मूवी ओपनहाइमर भी लगी हुई है, बारबी भी लगी हुई है, ये शो है। देखने का तो मन है बट टाइम नहीं है भाई, 3 घंटे मूवी में नहीं लगा सकता, उससे अच्छा एक्सप्लोर करूंगा ना इंडिया जाके देख लूंगा मूवी। तो भाई साहब चॉकलेट की दुकानें तो कसम से कदम कदम पे है। वैसे तो मुझे चॉकलेट लेनी है यहाँ से ले जाने के लिए एज अ सुविनियर लोगों के लिए भी, क्योंकि फेमस है बेल्जियम चॉकलेट, तो ले जाना बनता है ना। बट अभी नहीं, शाम को देखता हूँ कोई सस्ती दुकान। उधर वाली गली से मैं घुसा था भाई और अब यहाँ निकल गया, मतलब ये इतनी लंबी लाइन है कि बिल्कुल आर पार हो गया, समझ रहे हो। और उधर वाली रोड पे काफी भीड़ थी लेकिन ये वाली थोड़ी सी खाली है और शांत एरिया है। मैं भूल गया भाई इस वाले होटल का ना वाईफाई बहुत स्लो है, तो मुझे व्लॉग अपलोड करके आना पड़ेगा अभी, तभी रात तक 3-4 घंटे में अपलोड होगा। ये तो सही है भाई, होटल बिल्कुल सिटी सेंटर के पास ही है, देखो 300 मीटर। फटाफट से जाता हूँ और लगा के अपलोड पे फिर आ जाऊंगा। वो सामने गली में होटल है और यहीं पे जस्ट सामने ये बना हुआ है भाई स्टैंड, मस्त है। होटल से निकलो, साइकिल उठाओ या स्कूटर उठाओ और घूमो। ये है देखो easyhotel.com के यहीं पर ही ठीक ठाक होटल है, बट भाई महंगा बहुत है, ऑब्वियसली सिटी सेंटर है, बाहर भी वैसे तो महंगे ही मिल रहे थे। एंट्री के लिए भाई कार्ड लगाना पड़ता है, फिर आप लिफ्ट के वहाँ पहुंचोगे। समझे भाई ट्रैवलिंग करते वक्त ना डेली अपलोड करना भी सरदर्दी बन जाता है क्योंकि इंटरनेट नहीं मिलता टाइम पे। ठीक है हो गया मैनेज किसी तरह, 3 महीने अब 1 महीना और बचा है। रूम कौन सा था मैं तो भूल ही गया, शायद यही था 4.11। ये देखो भाई 18-19 MBPS आ रही है, और क्योंकि मेरा व्लॉग 4K में होता है इसलिए 8-8, 10-10 GB की फाइल होती है, तो अपलोड होने में बहुत टाइम लग जाता है। अपलोडिंग स्पीड तो और स्लो है, अच्छा हुआ आ गया भाई टाइम से, वरना सुबह व्लॉग आ नहीं पाता।
काम हो गया है मस्त। अब जाके बची कुची जगह घुमाता हूँ आपको। होटल में जो फोटो लगी हुई है ना उसी स्क्वायर की है जहाँ पे मैं था। ये देखो टाउन हॉल और उसके सामने सिटी म्यूजियम। अच्छा एक और फन फैक्ट भाई, बेल्जियम के लोग ना फुटबॉल के लिए बहुत क्रेजी है। यहाँ की जो फेमस फुटबॉल टीम है उसका नाम है द रेड डेविल्स। जहाँ पे भाई ये ग्रैंड प्लेस था ना उसी के जस्ट ऑपोजिट देखोगे ऐसे ये स्ट्रीट जा रही है काफी भीड़ भीड़ वाली। यहाँ पे भी भाई कैफेज, रेस्टोरेंट्स, बेल्जियम चॉकलेट्स, वॉफल, फ्रेंच फ्राइज, सोविनियर शॉप, सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। बट भाई वापस से काले बादल आ गए हैं और बारिश हल्की हल्की शुरू हो गई है। इनमें भी आई थी हल्की हल्की बौछार बट फिर रुक गई थी और अभी फिर आनी शुरू हो गई। बस तेज ना हो, 3-4 घंटे और फिर मैं एक्सप्लोर कर लूंगा, उसके बाद आती रहे भाई बारिश, मुझे क्या लेना देना। और इस तरह के बड़े बड़े भाई ग्रुप्स भी रहते हैं, ये गाइडेड टूर्स है, मतलब आपको पूरे सिटी को घुमाएंगे और साथ ही साथ में आपकी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके समझाएंगे भी चीजें। अगेन भाई सोवोस्की का स्टोर है यहाँ पे, मैं बता चुका हूँ बहुत बार, सोविनियर भी लेने हैं बट अभी नहीं, शाम को लूंगा थोड़ा। ये देखो भाई फ्रेंच फ्राइज यहाँ भी मिल रहे हो भाई, यहाँ वोफल देखो, हो कितनी वेराइटीज है भाई, भर भर के वोफल मिल रहे हैं यहाँ तो। मेरे लिए तो कसम से जन्नत है ये वैसे वोफल, क्योंकि मुझे पसंद बहुत है ना। बट भाई लास्ट खाए है मैंने अब यहाँ बेल्जियम में, इसके आगे ज्यादा नहीं खाऊंगा क्योंकि मीठा ना अच्छा नहीं होता सेहत के लिए इतना। अब हो गया जितना होना था, अब थोड़ा क्लीन रहना है आगे के कुछ दिन। ये स्ट्रीट देखो कितनी सुंदर सजा रखी है, ऊपर पूरे फूल फूल से लगा रखे है डेकोरेशन वाले, है ना, मस्त लग रही है यार। यहाँ पे फोटोज वोटोज लेनी हो, क्या तगड़ी आएगी। ओ ऊपर वो देखो भाई सब साइकिलें लटका रखी है, तो अभी ध्यान दिया मैं। ये देखो भाई छोटा बच्चा दिख रहा है ना जो सुसू कर रहा है, ये है यहाँ का नेशनल सिंबल बताओ, एंड इसको बोलते हैं मैनिकन पिस। एंड ये स्कल्पचर भाई 15th century से काफी ज्यादा फेमस है, मतलब फाउंटेन के लिए, तो भाई पूरी सिटी को ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करता था। गूगल में आप देखोगे ना इसको कपड़े नहीं पहनाए हुए, बट यहाँ पे तो भाई ने टी शर्ट और निक्कर पहनी हुई है। एंड काफी लोग विजिट करते हैं भाई, आप यहाँ पे भीड़ देख के पता लगा ही सकते हो। और ये देखो भाई एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग का यहाँ पे वो भी हैशटैग और लिखा भी हुआ है आई एम नॉट फॉर सेल। बारिश भाई थोड़ी सी तेज हो गई है, वैसे तो मेरे पास छतरी है बट कोई नहीं, यहाँ खड़े हो जाते क्या पता रुक जाए, क्योंकि इतनी तेज भी नहीं है, हल्की फुल्की है। अगर ज्यादा तेज हो गई तो फिर छतरी का यूज करके भाई निकल लूंगा यहाँ से मैं फिर। बट ये जो स्टैचू आप देख रहे हो ना एक्चुअल में ये कॉपी है, ओरिजिनल स्टैचू है, वो बहुत बार चोरी हो चुका था बट अब उसको ना भाई सिटी म्यूजियम में जो है वो अच्छे से सेफली रख दिया गया। तो अगर आपको ओरिजिनल वाला देखना है तो सिटी म्यूजियम चले जाना टिकट लेके, वरना तो यहीं पे ये देख लो उसकी कॉपी। छाता भाई निकालना ही पड़ा क्योंकि बारिश रुक ही नहीं रही और मैं भाई बिल्कुल भी भीगना नहीं चाहता अभी इस टाइम पे। बारिश आती सबने छाते निकाल लिए, मेरे को लग रहा है सब प्रिपेयर्ड होके आए थे मेरी तरह की, छाता लेके चलते आ सकती है बारिश। वैसे वेदर देख के लगा नहीं था कि बारिश आएगी, मैंने तो रख लिया, मैंने कहा चल रख लेता हूँ क्या हल्का सही तो है, और सही में भाई काम आ गई। चलते चलते सोविनियर शॉप मिल गई, ले ही लेता हूँ फिर मैं भूल जाऊंगा, और वैसे ही बाहर तो बारिश आ रही है। मैग्नेट में तो मैं सोच रहा हूँ कुछ वोफल बना हुआ मिल जाए ना, देखो यहाँ पे जैसे फ्राइज तो बनी हुई है बट फ्राइज नहीं, मुझे वोफल वाला चाहिए तो थोड़ा यूनिक हो जाएगा। तो इनके पास वैसे बहुत सारी वैरायटी, मुझे भाई ये वाला पसंद आ रहा है यही ले लेते हैं। यहाँ पे भाई मैग्नेट्स काफी सस्ते हैं, 2 यूरो यानी कि 200 रुपए में मिल रहा है, वरना हर जगह पे 4-5 यूरो से कम तो मिलता ही नहीं था। यहाँ पे सारे पोस्ट कार्ड है, पोस्ट कार्ड भी ले लेते हैं भाई, पोस्ट कार्ड एक तो ये ले लेते हैं और दूसरा भाई ये वाला पसंद आ रहा है। और मैं आपको कह रहा था ना उस स्टैचू को अलग अलग ड्रेसेस बनाते हैं, ये देखो सेंटा क्लॉज भी बना रखा है। एंड पोस्ट कार्ड 0.5 यूरो का, यानी कि इंडिया के 50 रुपए। चलो भाई शॉपिंग डन, तीनों चीजें मिला के इंडिया के 300 कुछ का आया है, 3.6 यूरो यहाँ के। बारिश नहीं रुक रही भैया और तेज हो गई है, ये तो क्या करूं अब मैं। वैसे मेरे हिसाब से ना ये जुलाई अगस्त का पीरियड अच्छा नहीं है यूरोप घूमने का, एक तो भाई गर्मी हो जाती है और होटल्स में एसी और पंखे नहीं होते ज्यादातर में, और दूसरी चीज बारिश आती रहती है, बंदा ना ढंग से भाई सारी जगहों पे घूम नहीं पाता। अब हम तो भाई रोड ट्रिप पे निकले थे तो इसी टाइम पीरियड पे ही बेस्ट था निकलना, आप क्या कर सकते। जब भी वाइट जूते पहन के निकलता हूँ बारिश जरूर आती है, कुछ लिंक तो नहीं है भाई बारिश का इन जूतों के साथ में, बट गंदे हो जाते हैं यार पानी में पता नहीं। आप जैसे ही एंटर करोगे ना भाई बेल्जियम में, सबसे पहले आपको ना मेल्टेड चॉकलेट की बहुत खुशबू आएगी यहाँ पे। बिल्डिंग देखो भाई कितनी खूबसूरत है ना, और ये यहाँ की स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग है, एंड इस पे भी देखो काफी सारे स्टैचूज बने हुए, इधर हो गया उधर हो गया बहुत सारे है। हेलो, आई सॉ यू इन वीडियो स्कॉर्पियन, राइट? हां जी हां जी। हाय, माय सेल्फ निखिल अनमोल, कहां से हो आप लोग? हम दिल्ली से। दिल्ली से घूमने से वो गैलरी वाली स्ट्रीट पे आ गया था, और यहाँ पे अपने सब्सक्राइबर भी मिल गए दिल्ली से, अभी अभी शिफ्ट हुए हैं यहाँ पे, उनकी जॉब है। मेरे घर वालों की याद आ रही है 1 महीने से, तो मैंने कहा हमें तो भाई साहब 3-4 महीने हो चुके हैं, कोई नहीं अब उनको तो रहना यहीं पे है जॉब के लिए, हम तो वापस चले जाएंगे 20-25 दिन बाद। और देखो मैं कह रहा था ना इस गैलरी में रोशनी तो आती है बट पानी नहीं आता, तो बारिश में सब लोग यहीं पे भग के आ गए हैं। यूरोप में बिना भाई इतनी गरीबी है, मतलब अभी मैं एक जगह पे बैठा हुआ था, वहां पर एक बंदा आया होमलेस बंदा, और डस्टबिन में से खाना निकाल के लेकर गया बताओ। और जब ये मीडिया या फिर बाहर के यूट्यूबर्स इंडिया आते हैं तो इंडिया की स्लम और ऐसे गरीबी दिखाते हैं, लेकिन यूरोप की गरीबी, यूके की गरीबी, यूएस की गरीबी कोई, बट एक्चुअल में यहाँ पे काफी ज्यादा गरीबी है, काफी होमलेस लोग भी है। ये भाई पूरे ब्रसेल्स की सबसे फेमस फ्रेंच फ्राइज की शॉप है, एंड रेट आप देख सकते हो 3, 3.5 और 4, सबसे बड़े वाला है 4 यूरो बट मैं छोटा ही लूंगा। हेलो,
वन स्मॉल फ्राइज। लो जी लो अपने फ्राइज आ गए हैं, और ये जो ऊपर सॉस लगी हुई है ये है भाई अंदलूस करके। यस यूट्यूबर भाई एक्साइटमेंट में ना पागल हो गए हैं 2 मिलियन समझ के। और इन्होंने यहाँ पे मशीन लगा रखी है, कैश जो है वो यहीं पे डालना होता है पेमेंट करने के लिए। और ये सॉस के साथ भाई 4.5 यूरो के आए स्मॉल, यानी कि अराउंड 450 रुपए। वैसे फ्रेंच फ्राइज खाली 3 यूरो के थे। बाकी टेस्ट करूँ भाई कैसे है ये फ्राइज में? भाई ऑयल काफी ज्यादा है, बट ये जो ऊपर इन्होंने सॉस डाली है ना ये काफी टेस्टी है यार। बढ़िया है टेस्ट में तो, सॉस ये मजेदार एकदम। भाई वीडियो बना रहे हैं मेरी और खुद वीडियो में नहीं आ रहे हैं, बताओ ये तो बहुत गलत बात है। बढ़िया हैवी हो गया भाई सॉस की वजह से, पूरा नहीं खाया जा रहा। पिछली कुछ कंट्रीज के लोग ना भाई इतने ज्यादा फ्रेंडली नहीं थे, बट यहाँ बेल्जियम के लोग बहुत फ्रेंडली है, हालांकि कैमरा में आने से शर्माते हैं। कल जब हम यहाँ पे एंटर किए थे ना भाई, उस टाइम पे मैंने स्कॉर्पियो साइड में लगा रखी थी, अभिषेक का वेट कर रहा था, वो खाना पैक करवाने गया था। तो भाई सब इतने क्रेजी क्रेजी रिएक्शन आ रहे ना अपनी इंडियन गाड़ी स्कॉर्पियो बेल्जियम में लोग देख रहे थे ना, तो आप वो वाली क्लिप्स देखो जरा कल की। भाई 10 मिनट हुए गाड़ी को यहाँ लगाए हुए और लोगों के इतने क्रेजी वाले रिएक्शन आ रहे हैं ना मैप को देख के, और ये दिल्ली टू लंदन रोड ट्रिप लिखा हुआ है इसको देख के। अभी रुको आने दो, किसी को दिखाता हूँ फिर आपको। तो यहाँ सेट कर दिया भाई मैंने कैमरा, आप देखना जैसे कोई भी आएगा ना नजर पक्की बात है गाड़ी पे जाएगी जाएगी। ये देखना आप गाड़ी को देखा नहीं देखा, अरे पोपट हो गए तो भाई। हाँ ये देखो ये लड़की रुकी ना भाई फोटो लेने के लिए, वे तो चली गई बट बिना फोटो लिए, शायद से अंदर मैं बैठा था इसलिए ली नहीं उसने फोटो। ये देखो अंकल जी भी देख रहे हैं, देख रहे हो अंकल आंटी भी पलट पलट के देख रहे हैं भाई अपनी गाड़ी को। ओए होए होए ये देखो अरे भाई पलट पलट के सब पलट रहे हैं भैया स्कॉर्पियन के आगे अपनी। अभी और लोग आ रहे हैं पीछे से, वो भी देखते हुए जा रहे हैं, बट अभी देखना आगे जाके फिर पलटेंगे। ये वाला ग्रुप देखना अभी, ये भी 100% भाई पलटेंगे, देख रहे हो देख रहे हो। क्या बोला था वो लड़का पलटा बट लड़कियां नहीं पलटी। एक्सेप्ट कर लो भाई स्कॉर्पियो अपनी तगड़ी है, एमी थोड़ी बिग डैडी बोलते हैं। नहीं रुक रही भाई बारिश यहीं पे, 20 मिनट से वेट कर रहा हूँ, अब देखा जाएगा जो होगा। घूमना नहीं छोड़ सकता इसलिए ये वापस से साइकिल ले रहा हूँ, छाता पकड़ के साइकिल चलाते चलाते पहुंच जाऊंगा, क्योंकि यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है जहाँ मुझे अभी जाना है फिलहाल, एंड वो जगह मैं मिस नहीं करना चाहता इसलिए चलते कैन वैन करूँ इसे और लेकर चलूँ। मैं निकल तो गया बट ध्यान नहीं दिया, 4 किलोमीटर नहीं 7 किलोमीटर था, और अभी भी 5.6 किलोमीटर बचा हुआ भाई, और बारिश रुकी नहीं रही। पर से ना ठंडी ठंडी हवा चल रही है बहुत ज्यादा, चिल्ड एकदम, मेरे को 2 बार छींके आ गई है। मैं सोच रहा हूँ ना ही जाऊँ यार, छोड़ो भाई साहब कहीं बीमार बीमार पड़ गया तो बची हुई ट्रिप की भी ऐसी तैसी हो जानी है। अब तो कुछ नहीं है भैया, होटल ही चलता हूँ यहाँ से सीधा, खाना वाना रात को देखेंगे 10 बजे। लो भाई लो होटल आ गया है अपना, और इसमें देखो ऐसे ना लॉक लगा होता है, इसको निकाल के यहाँ पे फिट करना पड़ता है भाई, ताकि चोरी भी ना हो इनकी, और उसके बाद ही जो है वो राइड कैंसिल होगी। देखो अब करूंगा ना एंड राइड तो हो जाएगी, फोटो लेनी पड़ती है कि सही जगह लगाई है या नहीं। अगर गलत जगह पार्क करोगे तो जो कार्ड आपने ऐड कर रखा है ना भाई 3 यूरो काट लेते हैं उसमें, बट मैंने सही जगह पार्क करी है तो सिर्फ 1 यूरो कटा। हाँ भाई साहब बहुत ठंड लग रही है सही में, हुडी वुडी भी नहीं पहन रखी थी मैंने। इतनी ज्यादा वियर्ड फीलिंग होती है ना कि छींक आ रही हो बट निकलती नहीं है भाई साहब, ऐसे अटक जाती है आके। अभिषेक तो अभी आया नहीं है भाई, फंसा होगा वो भी बारिश में, जुकाम ना लग जाए। बारिश भाई रुकने का नाम नहीं ले रही, बट खाना खाना था इसलिए टेस्ट ऑफ इंडियस यहाँ पर आ गया। होटल से 150 मीटर था वॉकिंग वॉकिंग करते करते, छाता ले ही आया था मैं भीगा नहीं इसलिए। यहाँ पे इंडियन खाना सस्ता है भाई, एम्स्टरडेम में बहुत महंगा था, नॉर्मल सब्जी अपना वही 1300-1400 रुपए की, जबकि वहाँ पे 2000-2500 रुपए की थी एक सब्जी, एंड रोटी भी 250 रुपए की है, वहाँ पे 450-450 की थी। तो बेल्जियम वैसे कंपेयर किया जाए ना जर्मनी से या फिर अपना ये नेदरलैंड से सस्ता है थोड़ा। लो जी लो खाना आ गया है, क्वांटिटी एक बंदे के हिसाब से ही है, दो तो नहीं खा पाएंगे, चावल भी कमी है काफी। लो भाई रोटी भी आ गई अपनी, अच्छा टेस्ट अच्छा, चलो शुक्र है। सैलेड यार गलत ले लिया मैंने, टोटल 29 यूरो का बिल आया, यानी कि 2900। अभी मेरे पास ये लाइम स्कूटर के कुछ फ्री मिनट्स पड़े हुए हैं, नहीं मतलब खरीदे ही थे बट बचे हुए हैं, तो इसको लेकर चलते हैं भाई सिटी सेंटर में, देखे जरा चल के रात को क्या नजारे है, क्योंकि बारिश भी रुक गई है। रास्ते में भाई एक ये सेंट माइकल कैथेड्रल आया है, काफी पुराना कैथेड्रल है, और रात को वही लाइट वाइट जल रही है तो बड़ा सुंदर सा लग रहा है ना देखो। और इसी के सामने स्कूटर की पार्किंग भी है, तो यहीं लगा दिया स्कूटर, थोड़ी देर ताड़ता हूँ बैठ के इसी को। और क्या भाई देखो गाड़ी चलाने के लिए और इन चीजों को ताड़ने के लिए तो आए ट्रिप पे। ओ भाई क्रेजी यार, क्या खूबसूरत लग रहा है देखना रात को। ओए होए होए सारी लाइटें वाइटें जला दी, और इधर की साइड भी देख लो ये सिटी हॉल पूरा नीला नीला कर रखा है इसको, तो भाई ओए सुंदर ही सुंदर लग रहा है, बट इससे ज्यादा सुंदर वो लग रहा है सामने वाली बिल्डिंग, ये क्योंकि नीला नहीं है ना तो नॉर्मल अच्छा लग रहा है। अच्छा भाई बारिश रुक गई और मैं यहाँ पे आ गया, कितना सुंदर लग रहा है यार, सबसे ज्यादा सुंदर मुझे ये वाली बिल्डिंग लग रही है देखने में लाइट की वजह से। बाकी चलो यार इस वाले ब्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं, कल जाने वाले हम एक और नई कंट्री जो की है लक्जमबर्ग। कल कल का स्टे है क्योंकि छोटे सा देश है, तो मैंने कहा ज्यादा रुकने का फायदा नहीं, एंड परसों फाइनली हम स्विट्जरलैंड पहुंच जाएंगे भाई, मतलब मेरी थर्ड फेवरेट कंट्री है, फर्स्ट एम्स्टरडेम मतलब नेदरलैंड थी, सेकंड मेरी है आइसलैंड भाई, और थर्ड है फिर जाके स्विट्जरलैंड, तो निकलेंगे। बाकी अगर आपने वीडियो को यहां तक देख लिया तो भैया लाइक कर देना जरूर, और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पर नहीं पड़ना फीका, बाय।